मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। भाइयों बहनों, परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देश के अनुसार मैं आपको शिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूंगा विस्तार में। मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची कहानी। उस कहानी में मेरी बात का पूरा निष्कर्ष है। कहानी हमारे देश के एक वैज्ञानिक की है, उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। आपने सुना, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने भारत देश के। हम सभी भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत गर्व है, गौरव है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था, वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी मनुष्यों की तरह से सुख दुख के भागीदार होते हैं। पेड़ों में, पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्यों में होता है। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हंसते हैं, रोते हैं, खिलखिलाते हैं। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सब कुछ उनमें मनुष्यों जैसा ही होता है, बस इतना ही है कि भाषा नहीं है उनके पास, बाकी सब है। ये काम करने के लिए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसकी कहानी है। उन्होंने क्या किया, अपने घर में गमले लाए। गमले आप समझते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं, तो घर के दो हिस्से कर दिए उन्होंने। एक हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे उसमें लगाए, दूसरे हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे लगाए। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस क्या करते थे, रोज सवेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं उनको गालियां देते थे, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। ये खूब गालियां देते थे पौधों के सामने। दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सद्गुणी हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, तुम्हारा इतिहास बहुत ऊंचा है, तुम्हारा भूगोल बहुत अच्छा है। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे। 6 महीने लगातार प्रोफेसर साहब ने यह परीक्षण किया। परिणाम जानते हैं क्या हुआ, जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सब मुरझा गए और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे, बढ़ाई करते थे, वो सब खिलखिला के दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुरझा जाता है, और जब किसी की बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। 200 से 250 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी, तुम भारतवासी निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी सभ्यता खराब है, तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तकनीकी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी सभ्यता ही पूरी चौपट है। ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 250 साल कहा। एक अंग्रेज ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा, फिर पांचवें ने कहा, फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो परमानेंट गाली देने वाली हो। एक अंग्रेज आया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने ये सब भारतवासियों को सारे बुरे बुरे जो भी बातें हो सकती हैं वो कहीं भारतवासियों को, भारतीय चोर थे, हाँ चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, लंपट थे, सारी बुरी गालियां, गाय का मांस खाते थे। हाँ अच्छा देखो, कोई भी हिंदू इस बात को मानने के लिए, कोई भी भारतीय आर्य इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हो सकता। आज भी इस देश में हिंदू आर्य कुछ भी कहिए उनको, वो भी मांस खाते हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी हिंदू को गो मांस खाते नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले खाते थे, लेकिन आज तक हमें अभी भी पढ़ाया जा रहा है, हमारी पाठ्य पुस्तकों में अभी भी है। जी राजीव जी, और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हमको मिली, मैं सभी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको, कि हम आर्य लोग बाहर से आए
और हमने भारत के द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण और हमला करके कब्जा कर लिया और द्रविड़ों को मारते मारते दक्षिण भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ी गाली है जो हमें 250 साल अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसीसी देते थे, ऐसी गालियां देते थे हम, और अभी भी दी जा रही है। और फ्रांसीसियों से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते थे। माने पिछले 500 साल से अगर आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो हमको इसी तरह की गालियां दी गई। अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था गालियां देके जाता था, दूसरा आता था देके जाता था, तीसरा आता था देके जाता था। एक टीबी मैकॉले नाम का अंग्रेज आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को परमानेंट गाली देने वाली हो। उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन, उसी का नाम है शिक्षा व्यवस्था। और ये वो 1840 में देखे चला गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एक कानून बनाया उसने। जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था भारत में, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। आज उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री की। आज का जो प्रधानमंत्री है, अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीबी मैकॉले को। टीबी मैकॉले के लिए जो पत्र भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के गवर्नर जनरल को, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीति बन जाएगी। इतनी ऊंची अधिकार और अथॉरिटी के साथ उसको भेजा गया। तो मैकॉले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम, कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया, जिस तंत्र का नाम उसने रखा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। और इस एजुकेशन में इस तरह से विषय डाले गए कि हरेक विषय भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुरझा जाएं और आत्मग्लानी की स्थिति में पहुंच जाएं, उनको अपने धर्म संस्कृतियों के प्रति घृणा हो जाए। उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास को जानबूझकर राजाओं का इतिहास बताया। आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास, आज आप पढ़ें जो मैकॉले के द्वारा रचित है या मैकॉले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है, उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानियां हैं, प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है, ऋषियों के बारे में कुछ नहीं। हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाइयां हो रही हैं तो सारे इतिहास में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा? समाज तो खत्म हो जाएगा। भारत तो 1000 साल पहले ही खत्म हो जाता अगर हर एक राजा दूसरे से लड़ रहा होता। अपना आज का इतिहास पढ़ें तो एक ही बात समझ में आती है, ये राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा ने उससे लड़ाई की, उसने इस पर चढ़ाई की, उसने उसकी पत्नी को माने दबोच लिया, उसने उसकी राज्य की सल्तनत को खींच लिया। यही सारी कहानियां पूरे इतिहास में है। ये मैकॉले का रचित इतिहास है जिससे को इतनी आत्मग्लानी पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे तो लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए, अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो वेदों की रचना कर सकता है? कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, हजारों हजारों वेदों की ऋचाएं लिख सकता है? अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो उपनिषदों की रचना कर सकता है? कोई समाज अगर लड़ता रहे, झगड़ता रहे, वो नीति वाक्यों के लिए लड़मर सकता है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं, और किसी साम्राज्य में शांति नाम की कोई चीज नहीं। तो मैकॉले ने इतिहास ऐसा दे दिया, और उस इतिहास में प्रजा गायब है, ध्यान रखिएगा, राजा ही राजा हैं, और राजाओं की अच्छाइयां गायब हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। इसने उस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया, इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा, उसने उसका राज्य छीन लिया, इसने उसका राज्य छीन लिया। इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं, और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा? वैसा ही बनेगा जैसा मैकॉले चाहता था।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।